लीजिए, थोड़ा समझेंगे बन। ध्यान से सुनना, मार्मिक चर्चा है और थोड़ी क्लास एक तरह से। जो आपने सुन रखा है 90% लोगों में से ऐसे हैं जिन्होंने भी बात नहीं सुनी होगी, तो 90% लोग बहुत ध्यान से सुने ये बात, आवाज सही नहीं आ रही है। आया समझ में? आया तो देखो, ध्यान से सुनना आप। दो प्रकार के कर्म हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। क्या बोला? फिर से बोलो। आठ कर्म है, टोटल कितने कर्म है? आठ। आठ में से चार घातीय, चार अघातीय। इसको जरा समझना, मैं क्या कहना चाहते हैं यहाँ। घातीय का शब्द ही घात करे, तुम्हारा सुख उत्पन्न नहीं होने दे, तुम्हारा केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होने दे, तुम्हारी शुद्ध सामर्थ्य प्रकट नहीं होने दे, इसका नाम घातिया। घातने योग्य ऐसे कर्म, ऐसे परिणाम जो तुम्हें घाते हैं। तुम चाहते हो सुख, लेकिन तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं कि उनसे ऐसे कर्म बनते हैं कि तुम्हारा सुख प्रकट नहीं होने देंगे, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होने देंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित प्रकट नहीं होने देंगे। याद रहेगी इतनी डेफिनेशन? याद रहेगा? घातिया माने तुम्हारी स्वभाव की सामर्थ्य प्रकट नहीं होने देती। कैसे नहीं होने देते? भगवान के समोसरण में पहुंच गए फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होने देते। हमने मुनि दीक्षा ले ली फिर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं होने देते। हम व्रत उपवास नियम संयम करते हैं फिर भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित नहीं होने देते। कौन से कर्म? घातिया। कितनी जबरदस्त है। इसलिए जिनागम में घातिया प्रकृतियों को एकांत पाप प्रकृति कहा, इनमें पुण्य नहीं होता। चार घातिया कर्मों में कौन सी प्रकृति नहीं होती? पुण्य प्रकृति नहीं होती, एकांत पाप प्रकृति। घात करने वाली प्रकृति में पुण्य कैसे होगा? हम किसी की हत्या करें उसमें पुण्य हो सकता है? हम आत्महत्या करें पुण्य हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। घातिया नाम सुना है आपने? घातिया। घातिया माने, एक बार फिर बोल देते हैं, जिससे आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात होता है, अथवा कहीं कहो कि स्वभाव की सामर्थ्य प्रकट नहीं होने देती, सुख नहीं होने देते, सच्ची मान्यता नहीं होने देती, सच्चा श्रद्धा नहीं होने देती। आगे समझ में आया इतनी बात? आगे घातिया प्रकृतियों में पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति? पाप प्रकृति। एक बार अभी अघातिया, अघातिया का नाम ही है अमने नहीं, अमने नहीं। घातिया वो आत्मा के अनुजीवी गुणों को नहीं घातते। अनुजीवी गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अंतराय के विरोध में शोक। क्या अंतराय के विरोध? शोक। वीर, वीर। हाँ बराबर। तो वीर मैंने इसको कुछ नहीं करते। अभी ध्यान से सुनना, अघातिया याद रहेगा? अघातिया ये आत्मा के स्वाभाविक सामर्थ्य को घात नहीं करते, लेकिन बढ़ाते भी नहीं है उनसे कोई आम माने कोई रिलेशन नहीं। देर इज नो रिलेशन। अभी समझाएंगे हम आपको धीरे धीरे। आसोस आ गया बेटा, आप लोग आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। हम चाहते हैं आप लोग समझें ये चीज। थोड़ा ही लेट हो गए तो बहुत काम की चीज छूट गई इतनी देर में। अनुभव ध्यान से सुनना बेटा, हम आपको एक नक्शा दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं आपको ये वस्तु समझ में आए थोड़ी सी। हमें कर्मों का भय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता कर्मों का भय? बांधते जाते हैं, करते जाते हैं, भय नहीं लगता बिल्कुल। और फिर हम सोचते हैं हमें 50 साल हो गए प्रवचन सुनते हुए, इतने साल हो गए पूजन करते हुए, सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? हम तो इतने प्रवचन सुन रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं हुआ? इन प्रश्नों के जवाब इसमें मिलेंगे आपको। बिल्कुल फैक्टर है, मतलब तथ्यात्मक चर्चा है, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ। बराबर। अब आगे चलते, फिर से सुनना बेटा। आप लोग लेट हो गए, फिर बता देते हैं। कर्म कितने होते हैं टोटल? आठ। आठ में से चार घातिया और चार अघातिया। घातिया माने जो आत्मा के घात करने वाली हैं, अघातिया माने आ माने नहीं, घात आत्मा का घात करने वाले नहीं। इतनी बात याद हो गई?
कठिन तो नहीं लग रही नए लोगों को, समझ में आया? अघाती मने आत्मा का घात नहीं करते। क्या क्या घात नहीं करते? आत्मा का ज्ञान, दर्शन, शोक, चारित्र, वीर, जो कुछ भी है आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते। ठीक, अब फिर से सुनो, घातीय प्रकृति में एकांत पाप प्रकृति है। चाहे तुम आत्महत्या करो, चाहे दूसरों की हत्या करो, एक दृष्टांत देने के लिए, बहुत सा पुण्य नहीं हो सकता। ऐसे ही हम अपने आत्मा के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, केवल ज्ञान और सामर्थ्य का घात करेंगे तो घातीय प्रकृति है और एकांत पाप प्रकृति है। बराबर, अब आगे चलते हैं अपन। अघातीय प्रकृति में दो भेद है, पाप और पुण्य। अघातीय प्रकृति में कितने भेद है? दो। कौन कौन से? अघातीय में कितने भेद है? दो, पुण्य और पाप, एक ही बात। ठीक, अब आगे चलो। अब इसमें ध्यान सुनना, ये पुण्य से आत्मा को मदद नहीं मिलती और पाप से आत्मा को बाधा नहीं होती। उदय की बात कर रहे हैं? उदय की बात, बंद की बात नहीं कर रहे। बंद में तो अभी हम समझाने वाले हैं, बंद में तो समझाएंगे। पाप की उदय में अघातीय प्रकृति, ध्यान रखना, अघातीय प्रकृति पाप का उदय, उससे आत्मा को बाधा भी नहीं पहुंचती उदय में, और पाप के उदय में सहयोग भी नहीं मिलता, पुण्य के उदय में भी सहयोग नहीं मिलता। अब मैं समझाता हूं अपना दृष्टांत देखिए, अभी समझ में नहीं आया आपको। देखो, एक पुरुष है, उसको कैंसर हो गया, ये घातीय कर्म, कैंसर हो गया ना, घातीय कर्म, और पुण्य के उदय में सोने का सिंहासन है, सोने का पलंग मिल रहा है उसे, पुण्य के उदय में। बताओ, सोने का पलंग मिलना पुण्य का उदय है कि नहीं है? लेकिन वो पुण्य का उदय उसको कैंसर ठीक करेगा कि नहीं? पुण्य के उदय में उसको बढ़िया दूध, घी, मलाई, आज्ञाकारी बहुएं, आज्ञाकारी बेटा, सब मिल गए उसको आज्ञाकारी, बताओ रोग का क्या होगा? अब घातीय प्रकृति में तो देह का घात हो रहा है। दृष्टांत का ध्यान रखना, जैसे कैंसर से घात हो रहा है, टीबी का घात हो रहा है, जो भी बीमारी हो रही है, एड्स की बीमारी हो गई, घात हो रहा है, तो दृष्टांत में ये घातिया, बता बाहर में मैं मरणासन हूं। आपने देखा हो, मरणासन की तारीफ बहुत होती है, पूरी जिंदगी बहू सास ससुर की तारीफ नहीं करे, लेकिन मरते समय कहेगी बहुत बढ़िया हती भैया। अब घातीय प्रकृति में वो मरने वाला है, लेकिन पुण्य प्रकृति है ना, यश प्रकृति, यश है पुण्य का होता है, और यश मिल रहा है, बोलो उसे कितना आनंद आएगा। अंदर में ऐसी बीमारी हो गई, आप घी नहीं खा सकते, शक्कर नहीं खा सकते, दूध नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, कुछ नहीं खाओ, घात हो रहा है, शरीर का नुकसान हो रहा है, ब्लड नहीं बन रहा, लीवर कमजोर हो गया, एक घाती है, एक दृष्टांत हो, नहीं तो लगा लेता हूं। लेकिन बाहर में कुंटलों घी है, लोग तारीफ कर रहे हैं, खूब बड़े धर्मात्मा है, बड़े करोड़पति है, बड़े सेठ है, बाहर में प्रशंसा हो रही, बोलो ये आंसू कैसा लगेगा? बाहर में इतना पुण्य का होता है, तारीफ पे तारीफ हो रही है, हो सकता है आपको वर्ल्ड का सबसे अच्छा कुछ पुरस्कार मिल जाए, उद्योगपति, दी बेस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, लेकिन दिक्कत तो ये बस कंट्री वालों सर्टिफिकेट तो दिमाग में लटक गया। पुण्य पाप के होता है कि सामग्री तो जो लटक गई, अच्छा मकान बन गया, हम क्या करें जी बताओ, मकान बन गया हम क्या करें? जिसको कैंसर हो गया, मरना सन्न हो, उससे कहा तुम्हारा बल्कि 10 करोड़ का मकान बन गया, वो क्या करेगा था? माने ये पाप प्रकृति घातिया, कौन सी घातिया में? पाप प्रकृति। अघातिया में पुण्य पाप के उदय, उदय की बात चल रही है अभी, बता भैया क्या मदद मिलेगी? अब यहां एक मार्मिक चर्चा है थोड़ी सी, इसीलिए पुण्य ही है, क्योंकि पुण्य के उदय की सामग्री आत्मा में कुछ नहीं करती। पुण्य के उदय में देव सास गुरु मिलते हैं, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन वे तेरे को सम्यक दर्शन नहीं करा सकते। पुण्य के उदय में तुम्हें बादाम किशमिश मिल जाएंगी, लेकिन तुम चबा नहीं पाओगे, तुम खा नहीं पाओगे, पचा नहीं पाओगे। दृष्टांत है, दृष्टांत। ऐसे ही हमें अनंत बार पुण्य के उदय में हमने इतना अधिक पुण्य बांधा कि हमें साक्षात भगवान के समोशरण मिल गए, इसके बावजूद सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि घातीय प्रकृति का उदय चल रहा था। पुण्य के उदय में डॉक्टर तो मिल गया, लेकिन दवाई अंग नहीं लगी। दृष्टांत है, दृष्टांत हो, घातिया में नहीं ले लेना। ये तो समझाने के लिए बार बार दृष्टांत ले रहे हैं हम।
इसलिए यहाँ कहते हैं भैया पुण्य रूप प्रवर्तित हुए भी तो सावधान रहे, पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलेगी उससे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित नहीं होगा। हाँ, पुण्य के उदय की सामग्री देव सास गुरु तुम सम्यक दर्शन रूप परिणमोगे तो निमित्त कहलाएगी। लेकिन सम्यक दर्शन कब करोगे? जब घातीय प्रकृति का उपशम हो और अनुदय हो, माने जो जो व्यवस्था है उपशम छाए, फायदा तो तब होगा। घातीय प्रकृति में तो तुम निरंतर पाप बांध रहे हो और पाप के उदय में सम्यक दर्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? कठिन तो नहीं लग रही है? कठिन लग रही है, फिर से समझाते हैं। अरे हवा पे थोड़ी, 90% लोग देख रहे हैं। फिर से सुनो ध्यान से, कर्म कितने होते हैं? 8। चार घातियां के नाम बोलो। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय। अब देखना जरा इन चारों के नाम ही के अर्थ समझ लो आप। ज्ञानावरणी आपको केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुए, सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुए, मतिसद ज्ञान है आपको, मतिसद ज्ञान, सम्यक ज्ञान पैदा नहीं हुए आपकी। जरा आपकी भाषा में समझाएं तो ऑन दी समझत। घर में जो उपद्रवी बच्चे होते हैं, ओट पाई समझते, ओट पाई, उनके दिमाग में उल्टी उल्टी खुरापात सोचती है। देखो आप, माता पिता अच्छी बात समझाएंगे वो नहीं समझ में आएगी, उल्टी उल्टी सूझेगी नहीं। समाचार पत्रों में आ गया कोको कोला खराब है, अब ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे हम इसका। और यहाँ के कोई संघ ने, युवा संघ ने उसको कार्ड पे बना के चिपका भी दिया, फिर भी अरे मरना है एक दिन, खाओ पियो ऐश करो, किसने देखा, इतने लोग मूर्ख हैं, फिर भी उसको सम्यक ज्ञान नहीं होता। देखो मैंने प्रत्यक्ष रिपोर्ट देख करके भी सम्यक ज्ञान नहीं होता। डॉक्टर है, खुद जानते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, तमाम बीमारी जानते हैं, फिर भी खा रहे। क्या खा रहे भैया तुम? कि उनको ज्ञानावरणी कर्म का ऐसा होता है कि जैसी वस्तु वैसी समझ में नहीं आती। ये दृष्टांत दिया हो, दृष्टांत ऐसे जैसे हमारे दृष्टांत है, हमारे 2-in-1 दृष्टांत है, माने जो दृष्टांत दे रहे वो तो तुम समझ ही लेना लेकिन दृष्टांत में कह रहे हैं ऐसे 5 इंद्रिय के विषय भोगों में सुख की तलाश एक तमाकू जैसी चीज है। ये पढ़ करके भी नहीं समझ पाता, इसको सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता। ये 5 इंद्रिय के विषय भोगों में दिन रात अन्याय करने तैयार, अनीति करने तैयार, मिलावट करने तैयार, रिश्वत खाने तैयार, रिश्वत देने तैयार, जिसको विश्वास नहीं आता कि ये सब पाप परिणाम है, इनसे मेरा क्या होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होता। देखो कौन से कर्म के उदय में? ज्ञानावरणी कर्म, एक ज्ञानावरणी कर्म है जिसमें जैसी वस्तु है वैसा समझ में नहीं आता, हिताहित समझ में नहीं आता, अहित को हित रूप मानता है। अब इसकी लंबी चर्चा करें तो बहुत लंबी हो जाएगी। जो धर्म ध्यान आनंद रूप उसको माना में दुख स्वरूप, उल्टा ही मैंने लिया मान। देखो है ना ऐसे कैसे पंडित जी, हम तो धर्म को स्वरूप मानते हैं। मानते हो भाई? मानते हो? मानते हो? बोलो भाई। सुरेन, सुरेन नाम है? अजय, अजय। हाँ सुरेन कौन है? अजय। हाँ जी सुरेन। देखो नाम बदल गया, हम भूल गए, 10 साल हो गए भाई, करें क्या, ठीक है क्या भैया? धर्म ध्यान सुखरूप है ना धर्म, पक्का? अजय हम जी पूछ रहे 10 लक्षण धर्म अमृत है कि जहर है? 11वें दिन क्या हुआ? 10 दिन धमाधम पूजा पाठ व्रत उपवास सब, और 11वें दिन हमें ऐसे सज्जन लोग मिले। सज्जन ही कह रहे हैं क्योंकि सुधर गए भी। अनंत चौदस की रात को अनंत चौदस का उपवास करते थे वे लोग। अब धर्म पता नहीं था, स्वाध्याय करते नहीं थे। और अनंत चौदस की रात में इंदौर में होटल में जाके बैठ गए, अनंत चौदस की रात में, और 12:01 का इंतजार कर रहे। समझे नहीं समझे भैया? अब हमारी व्रत खत्म। अनंत चौदस की रात में तारीख बदल जाएगी। तारीख बदल गई ना, कितने तारीख तक लिखी है तुमने व्रत? तारीख तक लिखते ना, इतने तारीख से इतने तारीख तक, 27 तारीख तक, 6 तारीख तक, 5 तारीख तक,
तो 6 तारीख की रात को 12:01 पर वो तारीख बदल गई। सच्ची घटना है। और मैं रात भी खा रही, अनंत चतुर्दशी की रात भी खा रहे। बहुत बाद में जब प्रवचन सुने समझ गए तब उन्होंने अपनी बात खुद बताई। धन्य वे लोग, कम है इतनी बात उनकी समझ में भी आ गई। हम तो लेकिन आपसे पूछा 10 दिन धर्म है अमृत है कि जहर, कि अमृत तो फिर 11वें दिन क्या है। 10 दिन संयमित खान पान रहे सहन शुद्धता वो क्या है, अमृत तो 11वें दिन क्या है। कि पंडित जी आप ज्यादा करोगे तो हम फिर जिद्दा सो न करें। उन्हें आदमी तैयार बैठा है, झुकने तैयार नहीं है, समझने तैयार नहीं है, टूटने तैयार है। मंदिर में पूजा पाठ कम करने वालों का एक कारण है, इतनी तीव्र कसा है हार्ड, झुकने तैयार नहीं है, टूटने तैयार। जैसे पहले दिन कोई आया और गलती हुई उस युवक से, तो बुजुर्गों ने टोका, ए ऐसे नहीं करते बेटा, अरे ऐसे नहीं करो, जाओ हाथ दो, अब फिर चला दूसरी कलश के लाओ, अरे तुमने छन्ना जमीन पर रख दिए वो पैरों में, अब दूसरा छन्ना लेके आओ। अरे भैया इतने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई ने पड़ापड़ मार दिया हो, हमें भरी समाज में नंगा कर दिया हो किसी ने। रेन्दे भाई ये तुम्हारी पूजा प्रचार तुम्हें करो, हमारी बस की नहीं है। देखिए मेन कारण बता रहा हूँ आपको। अरे अरे ज्ञान वर्णी कर्म के उदय में इसको सच्ची बात नहीं सूझती, इसलिए घाटियां है, नहीं सूझती ना। अज्ञानता में पुण्य नहीं होता, अज्ञानता में पुण्य नहीं होता, जिससे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया उसमें पुण्य नहीं होता, पाप होता है। जो जहर को अमृत मान करके भोग करेंगे तो मरण ही होगा, घातिया। टोडमल जी साहब ने लिखा है क्रोध मान माए लोभ के प्रकरण में, और ज्यादा क्या कहें, अंत में सुखी होने के लिए जे विष पान करके, विष भक्षण आदि करके भी सुखी होना चाहता है। मैं विष भक्षण लिखा है, आप तंबाकू भक्षण लिख लेना, रात्रि भोजन कर लेना, पांच इंद्रिय का विषय सेवन कर लेना, हमें एक ही बात है। तो अब आगे चलो, अपन ज्ञानवर्णी कर्म का होता है सुखरूप की दुख रूप, हो गया ना दुख रूप, तो घातिया हो गया, इसमें पुण्य नहीं होता कभी। दर्शनावर्णी में देखने की सामर्थ्य नहीं रहती, अब इसका मैं ज्यादा अर्थ नहीं करूंगा अभी है। ज्ञानवर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी में जीव दुखी रहता है, औंधी बात ही सच्ची लगती है इसको, औंधी बात ही सच्ची लगती है, उल्टी बात। माँ और स्कूल में टीचर, किताबों में कहीं नहीं लिखा कि झूठ बोलना चाहिए, चोरी करना चाहिए, बेईमानी करना चाहिए। 25 साल की उम्र तक चाहे वो LLB पढ़े, चाहे कॉमर्स पढ़े, चाहे कहीं पढ़े, दवाइयां ईमानदारी की होनी चाहिए, BSc में ही पढ़ाएंगे, मिलावट नहीं होना चाहिए सब। इसके बावजूद 25 साल घोंट घोंट के पिलाई, वो शिक्षा नहीं याद हुई, और डॉक्टर इंजीनियर है जो कुछ भी बना तो फिर भ्रष्टाचार पहले नंबर सीख गया हो, कैसे सीख गया है? ये मोहिनी के उदय में ऐसा सच्ची मान्यता नहीं होती, और सच्ची स्थिरता नहीं होती, चारित्र नहीं होता, लीनता नहीं होती। देखो गजब बात। अब इसकी मैं प्रवचन इसमें मुझे नहीं करना, मुझे तो थोड़ा परिचय देना था आपको। और चौथा कर्म हो गया अंतराय, हम अपने सुख में ही अंतराय डाल रहे, हम अपने ज्ञान में ही अंतराय डाल रहे, हम अपने चारित्र में अंतराय डाल रहे। कैसे डाल रहे सो सुनो, ध्यान से सुनना, समझ में आए प्रवचन? क्या हो साहब, तो फिर आज से तुम सुधरोगे कि बस पंडित जी एक दो साल की बात है, हमारे बच्चे की शादी हो जाए फिर हम टोटली डिवोट होंगे। कब करेंगे धर्म? ठीक है साहब, अब आगे से हम भी शिविर में जाया करेंगे, पंच कल्याण में जाया करेंगे, और आगे से हम भी मंदिर आया करेंगे, करेंगे फ्यूचर प्रॉमिस करते हैं धर्म के नाम पर प्रॉमिस। समझ में आया? हाँ साहब, क्या समझ में आया? कि पंडित जी हम तो ये सोच रहे बस तुम्हें धर्म करना चाहिए, बस जी हम ये सोच रहे जी 5 साल बाद रिटायरमेंट हुआ फिर हम कोई चक्कर में नहीं पड़ेंगे और फिर धर्म करेंगे। भले आदमी 5 साल में कितना अंतराय डाल लिया तुमने, अंतराय समझिए इंटरवल, कितना बड़ा इंटरवल डाल दिया आपने, और इस इंटरवल की सजा भी बहुत भयंकर है, कोई छोड़ी मोड़ी नहीं है। राष्ट्रपति ने आपको मौका दिया, बोलो बेटा तुम्हें कौन सी सर्विस चाहिए, हम वही दे रहे। कि साहब अभी 2 महीने मम्मी बीमार है, पहले हम सेवा कर आए, तब तुम जाओ, अब तुम जाओ, अब तुम तो जिस बहाने से भी जा रहे जाओ, हम इतनी बढ़िया सर्विस दे रहे थे तुम्हें अभी, अब बाद में तुम सो चक्कर काटो कलेक्टर के और उनके और उनके और काटते रहो, ये अंतराय का फल। और यदि फेमस ही हो जाएगी तुमने राष्ट्रपति की अवज्ञा की है तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी हिंदुस्तान में, जाओ।
जैसे तीन लोग के नाथ तुझे तेरे भगवान स्वरूप को दिखाते हैं, प्रभुता के स्वरूप को दिखाते हैं, शुद्ध स्वरूप को दिखाते हैं, और हम उसी समय क्या करते मालूम? बात तो सच्ची है, पंडित जी कौन घर से कह रहे हो, तो जिनवाणी की लिखी है, आचार्यों ने लिखी है, और ज्यादा हुआ अंतराय डालने का तरीका, तो भाई निश्चय से तो सही कह रहे, क्या सही कह रहे हैं, निश्चय से तो सही कह रहे हैं अब, लेकिन अपन तो व्यवहारिक जगत में रहती है। ले इसने इतनी अच्छी बात सुन करके भी उस समय दर्शन ज्ञान चाहे को अंतराय डाल दिया। लड़के के लिए लड़की दी बेस्ट मिल जाए, दृष्टांत है, मिल जाए तो उसको ऐसा लगता है कितनी जल्दी भावने पड़े, ऐसा नहीं करते कि अगले साल का मुहूर्त निकलवा लो, अगले साल के बीच में कोई और अच्छा लड़का मिल गया, अच्छा घर वर मिल गया, क्या होगा? देखा हुआ आपने सगाई शादी के मामले में आदमी यदि उसे समझ में आ जाए तो कितनी देर लगाना चाहते हैं, उसके लिए तो झट झट मंगनी वहां तो ये पट कर ही देती लोग, आज देख के पसंद किया तो कहो आज ही बाजी बजवा दें, क्यों अंतरा नहीं डालना चाहते, दृष्टांत है। लेकिन ये आत्मा समझ में आने पर भी ये नौ प्रकार की अंतराय डालता है। सुनो इस अंतराय के उदय में इसको सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं होगा, परिणाम ये निकलता है साक्षात भगवान विराजमान है समोसरण में, देवी ध्वनि खिल रही है और सुन भी रहे हैं, फिर भी अंतराय का उदय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं होगा। श्रेणिक श्रेणिक सम्यक दृष्टि हो गई, फिर भी मुनि दशा में अंतराय आ रहा है। देखो संयम धारण नहीं कर सकते, पांचवा गुण स्थान धारण नहीं कर सकते, ये अंतराय का उदय आ रहा है। बारह अंग द्वादश अंग के ज्ञाता इंद्र अंतराय के उदय में पंचम गुण स्थान नहीं ले सकते। लियो हंसी खेल नहीं समझना, जब आपको रुच जाए तभी पचा जाओ। सम्यक दर्शन कब करें, कब करें? संजीव संजीव ना क्या नाम है, है? राजीव, बोलो राजीव कब करें सम्यक दर्शन? जब रुचे तभी पचा जाओ, देर नहीं लगाओ। अपन जो सोचते हैं अब पंडित जी कौन राजमल जी कहीं चले जा रहे हैं, अपन फिर सुन लेंगे। अंतराय बहुत मानते हैं जी, जैसे आज प्रवचन सुनने कोई नहीं आया, मान क्यों नहीं आया, उनसे पूछ क्यों प्रवचन सुनने चलो, अरे वो भाई साहब की सीधी बन रही ना, हम तो बोल ले लेंगे, जब हम फुर्सत होगी तो हम सुनते रहेंगे। ये अंतराय है, प्रत्यक्ष लाभ नहीं लेना चाहते, हम कैसेटों के भरोसे हो गए, सीडी के भरोसे हो गए। ए भैया पूजा करा करो, अरे पंडित जी को तो हम एक बार सोच ली, अब किसे 15 दिन के लिए समय शिखर जी जाना है, पूरा पूरी निवृत्ति से आराम से पूजा करेंगे, अंतराय मत डालो। अंतराय का उदय समझ में आया, आप मुनि हो जाओ, वही तो बात चल रही, अंतराय कर्म का उदय चल रहा है ना। हाँ नहीं नहीं तुम सुनो तो, ये अंतराय बांध रहा है कह रहे हैं हम, और ऐसे अंतराय का उदय आएगा सो तुम्हें काम नहीं होगा। जी बांधने का तरीका बता दिया हमने, बांधने का तरीका आप इस तरह से अंतराय बांधते हो सो ऐसे कर्म बनते हैं, घातीय प्रकृति है जी। क्या मतलब समझ में आया, जैसे अभी आज तुम घर में बैठे होते और तुम्हें मालूम है सुमित्र का जी प्रवचन हो रहे, तो तुम अंदर अंदर जी सोचे थे अरे अब अपना अकाउंट पूरा कर लियो, फिर जाके अब पछड़ा है पर वो टैक्स की रिटर्न भरने फिर खोला करने, अब प्रवचन तो कछ हुआ नहीं, बस कैसेट ले लेंगे। तो ऐसे परिणाम घात के प्रकृति है, ऐसे परिणाम अंतराय कर्म के बंद करती है। आया समझ में आया? अभी सुनते सुनते भी ये लग रहा है कि उठ के चले आए, उठ के चले आए, कहा बताया जी फालतू बातें कर रहे, उठ के चले आए। तो ऐसे परिणामों से अंतराय बांध रहा है जी, बांध रहा है, मान के चलो प्रवचन चल रहे, बीच में ऐसा लगने लगे पैसे का रस हो, जिसको व्यापार का रस हो उसे अंदर अंदर ऐसा लगता है उठे कि नहीं उठे, उठे कि नहीं उठे, लोग क्या कहेंगे, अरे उठे जाए सो अच्छी, अब अंदर अंदर रस लगा के चल रहा है, इसको इसका रस घट रहा है, ये अंतराय कर्म है, इसको नहीं मालूम, ये अपने ही कृष्ण नील कापोत लिस्या में फंस गया। समझ में आ रहा है कुछ? तो चार घाती कर्म बता, पुण्य हो सकता है कि पाप ही पाप होगा, याद रखना चार घाती कर्मों में एकांत पाप प्रकृति है, पुण्य होता ही नहीं इसमें। आत्मघात करने जैसा परिणाम है जी, सम्यक ज्ञान नहीं होता, देखने की सामर्थ्य नहीं रहती, मोहिनी में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं होगा, अंतराय में बाधा पड़ती रहेगी। अभी देखो आप सब है ना, आप सब एक काम करो, देखो अंतराय का उदय बताता हूं आपको, अंतराय का उदय
अपन ने अनुमोदन नहीं की धर्मी धर्मात्माओं की शुद्ध खान पान की, आराम से बाजार में खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब एक काम करो, आज तुम्हें ऐसा समझ में आया ना कि हमें शुद्ध खाना चाहिए, तो आज आपने नियम ले लिया समझ लो कि हम तो भैया कुएं का पानी पियेंगे। चल कुएं का मतलब अभी कुएं का बहुत हार्ड नियम है थोड़ा आपके लिए, क्यों आपके नल के पानी छना पियेंगे लेकिन अंतर मोड़ का, कितने मिनट का राजीव? कितना? 48 मिनट का। आज आपने घर जाकर पत्नी को ये समाचार दिया कि आज से हम 48 मिनट का छना पानी पियेंगे, आप चेहरा देख लो क्या होगा। आप कहोगे हम तो रोज के पापड़ खाएंगे, शुद्ध ही खाएंगे, बाजार में नहीं खाएंगे। आप जरा बोल के देखो, अरे रे, पहले तुमने धर्म मार्ग के विरुद्ध सोच सोच के अंतराय बांधा था, अब तुम जब धर्म करने निकलते हो, समाधि करने निकलते हैं, साधना करने निकलते हैं, त्याग करने निकलते हैं, वैराग करने निकलते हैं, तब वे ही सारे के सारे अंतराय खड़े हो जाते हैं। अब तुम दोष किसको दोगे? कली काल है, पत्नी खराब है, कलिहारी नारी है, कोई कलिहारी नहीं है, तुमने अंतराय बांधे, सो उदय में आ रहे हैं। अब बोलो अंतराय डालना कि नहीं डालना, इसी को खबर नहीं पड़ती। घातीय प्रकृति समझ में आ गई सबको? अच्छा, अब ध्यान रखना, घातीय प्रकृति में केवल पाप होता है। क्या होता है? पाप। इसमें कोई पुण्य होता है नहीं। अब जल्दी से हम चार घातियां और बता दें, चार घातियां याद हो गई, ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहिनी, अंतराय। सबको याद है? सबको पक्का? वेरी गुड, याद है? हाँ ठीक। अब हम अघातिया की बात करते हैं। आयु, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, याद है? जल्दी जल्दी बताते हैं। वेदनी में साधा वेदनी और असाधा वेदनी, पुण्य पाप। साधा वेदनी में पुण्य, असाधा वेदनी में पाप। असाधा वेदनी में बीमार होता है, साधा वेदनी में स्वस्थ रहता है। एक दृष्टांत, साधा वेदनी में बहुत सामग्री मिलती है अच्छी अच्छी, अनुकूल स्त्री पुत्र आदि। असाधा वेदनी में प्रतिकूल सामग्री मिलती है। हम थोड़ा गलत बोल गए, ध्यान से सुनियो, सुनो। साता वेदनी के उदय में वही सामग्री अनुकूल दिखती है। पत्नी तो एक ही, अनुकूल प्रतिकूल थोड़ी होती है। ब्याह होके आई, तुम्हारी साता वेदनी को उदय था अनुकूल, और जिस दिन प्रतिकूल पाप का उदय, साता का उदय हुआ, तो वही प्रतिकूल हो गई। तुम ही बना ले लियो, हमें नहीं मालूम। तुम ही खाए ले लियो, हमें नहीं मालूम। हम तो यही ऐसी धो सकत हो, ऐसी प्रेस कर सकत, तुम्हें ज्यादा अच्छी प्रेस करना तुम ही कर लियो। तुम्हारे असाधा वेदनी के उदय में वही पत्नी प्रतिकूल, साधा वेदनी के उदय में वे ही कपड़ा ठंड में अनुकूल, और गर्मियों में तो साधा साधा वेदनी हो गई, तो पुण्य पाप होगा। ठीक। वेदनी आयु, आयु में शुभायु अशुभायु, खोटी आयु में चला जाए और स्वर्गाधिक मनुष्य अधिक शुभायु में चला जाए, तो ये आयु दो प्रकार की होगी। इसमें भी अब ज्यादा नहीं समझाएंगे हम। नाम कर्म में शरीर की रचना, गोरा शरीर, काला शरीर, क्या फर्क पड़ता है? ये गोरा शरीर से सम्यक दर्शन हो जाता है और काले शरीर से सम्यक दर्शन नहीं होता, ऐसा तो कुछ नहीं है। गोरा काला शरीर बना रहे, नरक में काला शरीर है फिर भी सम्यक दर्शन हो जाता है, और स्वर्ग में सफेद शरीर हो तो भी ना हो, क्योंकि शरीर के कारण सम्यक दर्शन के चारित्र का संबंध नहीं। ध्यान रखना, बताओ भैया, अब पुण्य बांधोगे तो अच्छा शरीर मिल जाएगा लेकिन सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा। कौन कौन से हो गए? वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। गोत्र में उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जो पाप के काम करे वो नीच गोत्र, पुण्य के काम करे, अच्छे काम करे, लोकी ख्याति के काम करे, धर्म के काम करे, उसका नाम उच्च गोत्र। हालांकि इसकी चर्चा में शिक्षक मंडल विधान में आई है, 148 प्रकृति की जहां आगे चढ़ाए गए हैं। आचरण करे अति हीना, जिसको सब कहत कमीना। समझ गए? अब इसका अर्थ करने के लिए मुझे बहुत समय चाहिए। मैंने इसका पहली बार अर्थ उज्जैन में किया था, विधान हुआ था शिक्षक मंडल में, उधर इसका अर्थ किया। अब मैं लाइन ही बार बार फिर से नहीं गा सकता, बता, इतनी कड़क लाइन है वो। आचरण करें, हीना नहीं, हीना चरण तो फिर भी अच्छा है, फिर भी अच्छा है, लेकिन अति हीना, जिसको कोई चैन नहीं कह सके देख करके, रात को खा लेवे, आलू खा लेवे, बफर सिस्टम, नहीं बफर सिस्टम नहीं कहे,
जूता पहन के खा ले भाई, झूठे हाथों से खा ले भाई, रात्रि में खा ले भाई। बिल्कुल लिखा है जैन परिवार आपका स्वागत करता है, और जैन परिवार की जैन संस्कृति की पूरी हत्या वहां, आलू प्याज बैंगन लहसुन सलाद बताओ। ये वो कोई क्या रोटी का नाम है, कौन सी करी, कौन सी रोटी, नहीं नॉन रोटी, नॉन नान, नान माने अंडा, मालूम है आपको नान रोटी जो बनती है उसमें अंडा का इनो वगैरह डलती है, अंडे वगैरह डलती है, और एक धार्मिक कार्यक्रम में अंडे फेंक के डाले गए, सच्ची घटना है। उससे उसको ऑर्डर दिया कि नॉन रोटी बनना है, और उसने बाल्टी में घोल के रख लिया अंडे। चंबल ट्रैक्टर वाले भिंड के निरीक्षण करने गए, भाई इसमें क्या है, बोले अंडा बनाने वाले अजय नान रोटी का ऑर्डर दिया उसने, उसे जी क्या कर रहे आपको तो कनक दिखती है, उसने उसे डाला, उससे पूछे जी क्यों डालती है, वो इसके बिना बनती नहीं नान। ये सच्ची घटना हुई जैन समाज में, बोलो। अरे रे भैया ये है अति हीना, तुम्हें देख के कोई जैन ना कह सके, बताओ रात को खाने वाले को सड़क पर कोई जैन नहीं कह सकता, देख लेना। और लोटा छन्ना लेकर के उतरे अपन रेलगाड़ी में से, लोग फौरन समझ गए जैन है। हम तो दृष्टांत के लिए कह रहे हैं, आचरण करे अति हीना जिसको सब कहत कमीना, सो नीच गोत्र पर जारा हम पूजे अष्ट प्रकारा। ये नीच गोत्र का वर्णन, लेकिन सुनो ये चार प्रकार के पाप और पुण्य हुए, ठीक, लेकिन इन चार कर्मों से सम्यक दर्शन का कोई फायदा नहीं। आपको बहुत पुण्य का उदय हो जाएगा, समझ लो पुण्य के उदय में करोड़पति बाप की संतान बन गए, लेकिन ब्रेन ढीला है, ब्रेन हाफ माइंड फुल माइंड। अब बताओ क्या करेंगे, लड़की दे दोगे आप, अरे पुण्य का उदय देखो कुंटलों सोना है कि साहब सोना से थोड़ी रोई बाकी जिंदगी चलेगी, बाकी जिंदगी तो आगे समझ में आगे दर्शन। ऐसे ही आत्मा के साथ एक घातीय प्रकृतियां चार और चार अघातियां। अरे रे भैया तुमने बहुत पुण्य कर भी लिया तो अघातियां में फायदा होगा, लेकिन कैंसर नहीं मिटेगा, मिथ्या तो नहीं मिटेगा, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं मिटेगा। इसलिए आचार्य देव कहते हैं तुम स्वभाव की आराधना करो, स्वभाव की भावना भाव, पुण्य में खुश मत हो। एक पुण्य छोड़ दो ये नहीं कह रहे, पुण्य में खुश मत हो, हमने पुण्य कर लिया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, इतने में खुश मत हो। जब तक तुम स्वभाव की आराधना नहीं करोगे तब तक तुम्हें घातीय प्रकृति बनती रहेगी। अभी देखो अभी अभी सब दृष्टांत देंगे आपको हम, तो अब पाप पुण्य समझ में आ गए सबको। अब ध्यान रखना आप तीन, यदि मैं बोर्ड है तो इस तरह लिखूंगा घातिया और अघातिया, ठीक, क्या लिखेंगे हम घातिया और अघातिया, और यहां लिखेंगे परिणाम, शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम। ध्यान से सुनना, इसी का प्रैक्टिकल पढ़ाना है मुझे। तीन कॉलम हो गए अपने, कितने कॉलम हो गए, तीन, परिणाम घातिया अघातिया, अघातिया के दो भेद पाप और पुण्य, कितने कॉलम हो गए टोटल, चार, कितने, कठिन तो नहीं लग रहा किसी को। अब ध्यान से चलो, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं कि अशुभ परिणाम किए कृष्ण नील कापोत, कौन से परिणाम है जी, अशुभ कृष्ण नील कापोत। देखो यहां प्रवचन चल रहा है, लेकिन कोई जीव वहीं से देख करके अरे का आत्मा आत्मा की बात करे, जब देखो जब आत्मा अरे कछु करो धरो, ठीक, उसने कृष्ण लेशिया के परिणाम की। लेकिन फिर भी यदि वो मंदिर में पूजन पाठ करने चला गया तो नील के परिणाम, अभी रुक जाओ घबराना नहीं, कौन से परिणामों के साथ गया जी, देखो आप आत्मा समझने से कोई फायदा नहीं, केवल पूजा करने से फायदा है। हाँ, उपेक्षा पूर्वक चलो, अब पूजा करने में भी अभी नील लेशिया नहीं कहेंगे हम उसे, लेकिन पूजा करते करते भी उसको पांच इंद्रिय के विषय भोगों का अनुराग हुए। मात्र ऐसा है कि जरा अच्छी भाषा में कहें तो ले हाथ तो दे हाथ नहीं है, चाहे ले हाथ दे हाथ समझ में आए भाई। देखो हे भगवान, यदि हम मुकदमा जीत जाएंगे तो एक लाख रुपए का छत्र चबर यात्रा विधान करवाएंगे। भगवान से क्या कर रहे हो आप, मार्केटिंग क्या कर रहे हैं आप, बिजनेस,
यदि हम 10 लाख जीत गए तो 1 लाख आपका, नहीं यदि हमारी मार्केट अच्छी चलेगी, दुकान बढ़िया चलेगी भगवान, तो पक्का समझना कॉल करार करते हैं, कहीं कॉल करार करते हैं। इसका थोड़ा घटिया अर्थ करें, थोड़ा घटिया अर्थ, भगवान समझ लो आप, इस सारे में समझ लो आप, तुम्हें यदि छत्र की जरूरत हो, समझ गए, हल्का हल्का हल्का, यदि आपको छत सिंहासन पसंद हो और कोई नहीं दे रहा हो, क्या बुद्धि है इसी की, ये नील लिस्टा की पहनना हो, ये भगवान से भी व्यापार करने में नहीं चूकेगा, हो ये नील लिस्टा की परिणाम, दुखी मन से करे, दुखी मन का भी अर्थ समझ लो आप, दुखी मन में कापोत की परिणाम। अब ये व्यापार के भाव से नहीं कर रहा, देखो व्यापार के भाव से नहीं कर रहा, ध्यान रखना, आप कोई रिश्वत नहीं दे रहा भगवान को, भगवान को कोई कॉल करा नहीं, वो समझ गया ऐसा नहीं करना चाहिए, 3 लोग के नाच है, तुम्हारे छत्र के भरोसे नहीं बैठे, 100-100 इंद्र सेवा में है, अपन कहां लगी है, तो अब वो कॉल करा नहीं कर रहा अब, लेकिन देखो अभी भी थोड़ा खतरनाक बात है, अब वो भगवान की पूजा तो कर रहा है लेकिन उसे शॉर्टकट करना है, देखो वो वाली पूजा नहीं लेना केवल अभी किरणों वाली, वो बहुत बड़ी है, और वो वाली पूजा ना जी समोचे वाली, कौन सी वाली, जिसमें विद्यमान 20 तीर्थंकर देवसास गुरु और अनंतानंद सिद्ध ऑल इन वन, और छोटी सी पूजा है, और हंसी हंसी में केली देते हैं, देखो पूजा 3 भांत की, छोटी बड़ी मझोल, तुमने विधान करते करते बीच बीच में कापोत लिस्टिया की परिणाम आ जाती है, करवाया है, पैसा खर्चा किया है, खुद नहीं मेहनत की है, खुद नहीं मेहमान जोड़े हैं, कर भी रहा है, लेकिन बीच बीच में पूरे टाइम नहीं कह रहे हैं, जब ऐसे परिणाम आते हैं कितने अर्ग और बचे कितने पेज और बचे, अभी प्रवचन सुनते सुनते भी जैसे कोई बोर हो रहा हो, घड़ी देख ले कितने मिनट और बचे, तो ये कापोत लिस्टिया की परिणाम। अब जी अशुभ है, तीनों अशुभ है, आप देखो ये मैंने प्रैक्टिकल कहा है, आप इसको बुरा नहीं माना, प्रैक्टिकल किया ना बहुत खतरनाक बात है, हम सीधे सीधे कहते हैं हा 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 कृष्ण नील का पोत के परिणाम से घातिया में उत्कर्षण होता है, कोई को तकलीफ नहीं होगी, वो तो जब प्रैक्टिकल खोल के दे रहे जहां तकलीफ है। अब सुनना ध्यान से, अब 4 कालम याद है आपको, जीव के परिणाम में कृष्ण नील का पोत पूजा भी करता है लेकिन 3 भांति से करता है, एक तो करना ही नहीं चाहता, वो कृष्ण लिस्या वाला है, कछु मतलब नहीं है, काहे कि भगवान कैसे भगवान हमें नहीं मालूम, बताओ परिणाम, कल्पना करो भैया, हुकुम चंद जी एक दिन कोई प्रक्षाल करने नहीं आया, पुजारी भी नहीं आया, वो गैस उड़ी थी ना जिस दिन, उस दिन तुम ही अकेले थे, दृष्टांत मुझे मालूम नहीं अब तुमने कुएं का जल भरा, तुमने पूरे भगवान के अभिषेक किए, तुमने ही सब करे, लेकिन अंदर अंदर ये लगा बस और एक अकेले हम फंस गए, जैसे हमारे भगवान हो, और कोई नहीं आ सका, और कोई नहीं देख सका, और कोई नहीं कर सका, जी कृष्ण लिस्टिया के परिणाम। क्यों बेटा तुम्हारी दुकान पे सारे ग्राहक आ जाए एक दिन पूरे भोपाल के, तुम्हें कैसा लगे, मर गए, एक हम ही फंस गए, एक हमारी दुकान मिली, कहीं और भी तो जाओ, क्या करोगे बढ़कर, हाँ तो फंसवाएंगे, अरे पंडित जी आए तो सारा पुण्य, क्यों एक दिन आपको ही पूजा प्रक्षाल करना पड़े पूरी, उस दिन कैसे परिणाम होंगे आपको, प्रसन्नता के कि दुख की, सारे ग्राहक अपने आए तो प्रसन्नता, और सारी पूजा प्रक्षाल अपने ही सिर आ जाए तो, हमारे भगवान है, हमारा मंदिर है, पंचायती है, स्वयं भगवान पंचायती नहीं होती, भगवान तो अपने होती, देव सास गुरु में तो अपना ही, ये तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, इनमें तो अपना ही हित भाषित होता है, लेकिन कल्पना करो आप प्रैक्टिकल पड़ जाए तो क्या हो, तो ऐसे परिणाम से क्या नुकसान होगा, परिणाम बता दिया हमने, अब 3 कालम और बचे, घातिया और अघातिया, अघातिया में पुण्य पाप, ठीक, अब अपन चलें, क्या होगा कि ऐसे परिणाम से पूजा पाठ प्रवचन स्वाध्याय व्रत उपवास करने वाले को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होगा, क्योंकि घातिया प्रकृतियों में उत्कर्षण हो रहा है, उस समय ज्ञान का घात कर रहा है, मरे मन से पूजा करने वाले, उदास चित्त से पूजा करने वाले, फॉर्मेलिटी से पूजा करने वाले ज्ञानावर्णी कर्म बांध रहे हैं, दर्शनावर्णी कर्म बांध रहे हैं, मोहिनी बांध रहे हैं, अंतराय बांध रहे हैं, जी लिखा है, देखो भैया ये ग्रंथ है अपने पास, आप खोल के पढ़ो, मैं तो जब ये पढ़ा
ऐसे आत्मा के रोम रोम कांपते हैं, घबराहट लगती है कि हम कैसे उपेक्षा करें। आर्टिफिशियल जो रोज चढ़ाने वाली पद्धति से हम पूजा करते हैं उसमें हमारे भाव इन्वॉल्व नहीं होते, हमने एक प्रतिज्ञा से बंधे हुए से लगते हैं, अब प्रतिज्ञा पूरी करना है इसलिए हम करते हैं। बीच में ऐसे कर जाएंगे, पहले दिन जो पूजा करते हैं प्रतिज्ञा लेकर, उनकी पूजा बहुत अच्छी होती है, साल छह महीने अच्छी होती है, इसके बाद वो उसका ग्राफ का रेट देखना, परिणामों का रेट गिरता जाता है और फिर तो ऐसे। क्या ही कर रहा हूं अभिषेक कर दो, एक क्या कर रहे, पूजा होती जा रही, क्या गजब हो गया। मैंने इतनी उपेक्षा भगवान तीन लोग के नाल की, आप राष्ट्रपति की इतनी उपेक्षा करके खड़े नहीं रह सकते, आप तो तीन लोग के नाथ की पूजा करके आप त्रस में नहीं रह सकते, इतना बड़ा पाप है, एक इंद्री में चला जाएगा, इतना ज्ञानवर्णी कर्म बांधेगा ये जीव। अपने को क्या कहें, हंसी ठट्टा लगता है जी, चाहे जैसे पूजा करना, उंगली चटका लेना, चौरासिया साधना कर लेना, चाहे जैसे बैठ लेना, चाहे जैसे सुन लेना। धवल जी कहते हैं, धवल जी अपने, धवल जी कई बार आए, कहा था उन्होंने इसको दुकान चलाते समय जब ग्राहक आता तो इसके चेहरे की चमक कितनी गुना बढ़ जाती है, चेहरे की प्रफुल्लता देखो आप, प्रफुल्लता, बीमार आदमी भी हो ताकत आ जाए एकदम, देखना चेहरे की वीडियो बनवा, वीडियो दुकान पे ग्राहक आए और तीन लोग के नाथ के सामने पूजा करे उस समय इसकी पिक्चराइजेशन करो तो आपको पता लगेगा इसके परिणाम कैसे, ऐसे देखेंगे कैसे। फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, जल्दी जल्दी पढ़ लिया, केवल संपूर्ण मोक्ष फल प्राप्त है, मोक्ष फल प्राप्त क्या कह रहे थे, मोक्ष फल प्राप्त है क्या कह रहे, अर्थ मालूम है मोक्ष फल प्राप्त का अर्थ मालूम है क्या कह रहे हो, तीन लोग की सबसे कीमती चीज मांग रहे हो और सकल देखो आप, या मेरे को प्रैक्टिकल समझाना इसलिए इस तरह भाषा बोल रहा हूं, आप नाराज नहीं हो ना मेरे से। ऐसे परिणामों से पूजा पाठ व्रतोपास हतोत्साहित चित्त से करते हैं, उपेक्षा से करते हैं, लिखा है पढ़ो आप, उन जीवों को कृष्णील कापोतले से होती है और वो ऐसे जीवों को असंख्यात गुना ज्ञानवर्णी कर्म बन रहा है उसी समय, कब, जब पूजा कर रहे हैं। जो पूजा नहीं कर रहे उनकी तो अभी हम चर्चा ही नहीं कर रहे, अब अभी ऐसे लोगों में जो कह सकते हैं देखो हम तो पहले कह रहे थे ये पूजा की कटाई करेंगे, व्रतोपास की कटाई करेंगे, जय की कटाई करेंगे, नहीं भैया पूजा पाठ व्रतोपास अच्छे से करो ये कह रहे हैं, उपेक्षा से नहीं करो। डॉक्टर मल जी साहब ने लिखा है ये उपवास करता है तो रोगियों की भांति काल गवाता है, रोगियों की भांति चेहरा प्रफुल्लित नहीं दिखाई देगा, लोग अलग से पहचानेंगे का है आज का बात उपवास है, क्या बात है आज रविवार है तो सुन नमक नहीं लाओ, तो नमक नहीं लेने का हर्ष है कि दुख है क्यों ऐसी आपकी मरी भाषा क्यों आती है, प्रबलता क्यों नहीं आती, लिखा है रोगियों की भांति काल का बात है। भाई आप थोड़ा करो कि ज्यादा करो हम इसके नहीं कहेंगे, लेकिन अत्यंत उल्लसित चित्त से करो, उल्लसित वीर से करो, समर्पित चित्त से करो, सावधानी पूर्वक करो। महिलाएं बैठ के पूजा करती है ना तो इसलिए तेरा पंथ धामना बैठ के पूजा नहीं, आपसे कुछ नहीं कह रहा भैया ध्यान रखना, कहीं बैठने वालों को आप अक्सर देखना, यदि आप पिक्चर बनाओ उनकी तो फिर उस पिक्चर को उन्हें दिखाओ, वे ऐसे हाथ रख लेंगे बीच में और फिर में छुकी चढ़ा देंगे, जमीन पे हाथ कर देंगे और फिर चढ़ा देंगे और फिर ऐसे बैठ गई फिर ऐसे उठ गई और फिर वो जिनवाणी छी लगी, जिसकी हम पूजा कर रहे उसी को छू लेती, मैंने अपने चरण स्पर्श करा रहे उन्हें। बैठने वाले कितने लोगों को हैबिट होते हुए पैर पकड़ लेंगे, पैर पकड़ लेंगे और जिनवाणी छी लेंगे, इसलिए तेरा पंथ आमना में इससे बचा। उन्होंने कहा खड़े होकर पूजा करोगे आप नीचे तक हाथ नहीं पहुंचेंगे, आप खड़े ही रहोगे तो हाथ जोड़ोगे, खड़े होने वाले जितने हाथ जोड़ते हैं बैठने वालों में से बहुत कम लोग हाथ जोड़ते हैं। खैर हमें उसकी ज्यादा नहीं कहना, लेकिन उपेक्षा से करोगे तो ज्ञानवर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी और अंतराय ये चार कर्म में उत्कर्षण होता है, लिखा है देखो आप, उत्कर्षण होगा और साता प्रकृतियों में भी अपकर्षण होगा। अब साता प्रकृति में उल्टा चलेगा, पुण्य उल्टा होगा, पुण्य में उल्टा होगा, पाप प्रकृतियां ऊपर ऊपर जाएंगी,
इनका ग्रह ऊपर जाएगा और पुण्य प्रकृतियां नीचे आएंगी, माने अब तुम बीमार होगे, तुम्हारा पुण्य निरतिशय हो गया, कल दोपहर की भाषा में कहें तो निरतिशय हीन पुण्य हो गया। देखो सुनो, भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा में यदि तुम सतर्कता से करते तो तुम्हें सम्यक दर्शन होना था, हाईएस्ट फल है सम्यक सच्चे देव की पूजन करने का फल बता रहे हैं आपको, टॉप क्वालिटी का फल था। एक ही दिन की पूजा में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होना चाहिए था आपको, तो उसमें तो हो गया पाप प्रकृति में उत्कर्षण, माने ये नहीं हुई। ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं हम, हुआ नहीं और ऐसा बंद कर लिया कि भविष्य में भी होना मुश्किल कर लिया आपने। नहीं आया आपको समझ में, मैं समझाता हूं। देखो आप क्या, लड़की देखने के लिए लड़का आया और तुमने उसको तवज्जो नहीं दी, तुमने लापरवाही से भोजन परसा, तो लड़का चला गया। अब वो तो शादी नहीं करेगा लापरवाही में, लेकिन भविष्य में खुश कर ले तो, दस बार मनाओ तो भी मुश्किल। और इतना ही नहीं, हो सकता है वो सोजनों से और कह दे जी उत्कर्षण। और यदि कई बार ऐसा हो भी जाता है, लड़के थोड़े तेज तर्रार हो तो जाते जाते कह ही देते हैं कि साहब हम गलती से आपके यहां आ गए, आपको पानी पिलाना तक नहीं आता है, इसमें क्या हो गया, मांग लेते आप। अब इस बात को 100 लड़कों से और कहेगा, भैया उनके यहां रिश्ता था, भैया भोपाल जाओ तो बगली में मच जाइए। आप तो बच्ची की शादी करना मुश्किल हो जाएगी। दृष्टांत दिया ऐसे ही, जिनके पास जाकर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित होता था जिनेन्द्र की पूजा में, तूने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का तो घाते किया और घातीय प्रकृति का उत्कर्षण कर डाला, घात घात में और तूने स्पीड बढ़ा दी, ऐसी 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 और बढ़ा दी। देश सदगुरु उपेक्षा और व्रतादि की उपेक्षा में ये परिणाम का नुकसान हुआ। एक अब इधर से चलो कि पुण्य पाप में क्या हुआ, कि पापों का होगा उत्कर्षण, असाता वेदनी का होगा उत्कर्षण, नीच गोत्र का होगा उत्कर्षण, नीच गोत्र का उत्कर्षण होगा। सब हम पूजा करें तो हमारी कोई ख्याति नहीं, समाज में कोई हमें चाहत नहीं, हमारी कुछ वैल्यू नहीं। जे कहते हैं भाई बात इनकी झट मान ली, तो भाई बात हम कहेंगे तो हमारी कोई नहीं सुनत, ये नीच गोत्र का उदय है। आपको बहुत शिकायतें हैं कि पंडित जी हम सही बता रहे हैं, हमने अपने भैया को हित चाहो, पैसा दो, सब कुछ करो और फिर भी हमारी बदनामी। हम समाज में जाते हैं अध्यक्ष के पास कि साहब हम फैसला करवा दे, वे तक नहीं सुनाते, जबकि हम रोज पूजा करें 25 साल से, कि भाई तूने 25 साल से पूजा तो करी लेकिन किस परिणाम से करी ये बता, इसलिए तेरे नीच गोत्र का होता है, तेरी लोक में चलती नहीं है, तुझे ख्याति मिलती नहीं है, तेरे करे हुए का यश नहीं मानते लोग, ये नीच गोत्र का होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया जी। अभी चर्चा पूरी हुई नहीं, अभी हमें पीत पद्म शुक्ल भी बताना है, अभी तो कृष्ण नील कापोत बताई है भाई, प्रतिज्ञा पूरी करी ठीक। पवैया जी का ऐसा कहना, पहले प्रश्न सुन लो इनका कि उस देखो प्रतिज्ञा नहीं ली वो तो कृष्ण वाला है, और प्रतिज्ञा लेके जैसे तैसे पूरी तो करी माने कम से कम, तो भाई कक्ष तो पुण्य होने चाहिए, जैसे तैसे करी करी तो सही। हुई है क्या, हुई है कि सामाई करते करते पानी की याद में मरी सो, जैसे तैसे पूरी करवे को फल है जो। और जब मेंढक को पंखुड़ी लेकर के गया उल्लसित चित्त से गया, पैरों तले मरा स्वर्ग चला गया, देखो उल्लास का फल और देखो हीनता का फल। अब इस कहानी में समझ लो, बस पुण्य तो हुआ, कितना पुण्य हुआ कि निगोद में नहीं गया संगी पंचेंद्री मेंढक में चला गया, इतना तो हुआ। बोलो ये ऐसा पुण्य चाहिए, भगवान की पूजन पाठ रहे तो बस में हतोत्साहित होके उपेक्षा करके तिरस्कार करके लापरवाही करके ऐसा पुण्य चाहिए बेटा दीपक, तो सावधान रहो, आप थोड़ा करो ज्यादा करो हम नहीं कह रहे, लेकिन अत्यंत अच्छे से करो। अब मैं जल्दी से एक एग्जाम्पल और देके बात पूरी करूंगा, अभी मेरी कक्षा थोड़ी, मैंने जरा इसका एक्सपांशन ज्यादा कर दिया, मैं चाहता तो था कि इसे शॉर्ट में पढ़ाऊं, लेकिन मेरा चैप्टर आधा ही हो पाया पूरा। मैं इसीलिए कि नए नए बच्चे बैठे, नई पीढ़ी बहुत बैठी है, तो इन्हें समझ में आए कि देश सास गुरु के प्रति उपेक्षा का फल क्या है। आचार कुंद कुंद का जीव मालूम बेटा, आसु पूर्व में ग्वाला था, जैन तो नहीं था, ग्वाला था, ग्वाला
एक चिनवाणी उसे मिली जंगल में, पूरे जंगल में आग लग गई, एक वृक्ष नहीं जला। उसने उस ग्रंथ को लिया, आओ इसका चमत्कार है, इसका अतिश है, ये दिगंबर मुनिराजों की कोई अद्भुत निधि है। ऐसे भक्ति भाव से उसने उसे सिर लगाया। पढ़ नहीं सकता अंदर मुझे लगता था, हम पढ़ नहीं सकते, आज पढ़ सकते होते तो पढ़ लेते। आचार्यों ने जो मर्म इसमें लिखा है आज पढ़ने लायक नहीं, हाय हाय धिक्कार है हमें। ऐसे परिणामों से उसको पीत पद्म परिणाम हुए, पीत पद्म परिणाम हुए। और उस परिणाम को उसने फिर पूरे जब तक घर में रहा उसने उच्च स्थान पर रखा, रोज छूता था, रोज ऐसी भावना होती थी जिनवाणी कब पढ़ पाएंगे हम। ऐसी भावना का फल से इतने साधना का उत्कर्षण हुआ, असाधना का अपकर्षण हुआ और घातीय प्रकृतियों में अपकर्षण हुआ। घातीय प्रति अपकर्षण समझ गए, कमी आई और इतनी कमी आ गई कि जन्म से जन्म होते से 8 वर्ष में सम्यक दर्शन, 11 वर्ष में दीक्षा का परिणाम। दीक्षा लेने के बाद देखो कोई पढ़ाने वाले नहीं थे उन्हें, और आत्मज्ञानी, कोई पढ़ाने वाले नहीं थे फिर भी ज्ञानी, छठे साध गुणस्थान में झूलते हुए उत्कृष्ट ध्यान किया, सीमंदर भगवान का नमस्कार, सीमंदर भगवान को नमस्कार, शुक्लेशा के परिणाम, शुक्लेशा के परिणाम, वहां भगवान की दिव्य ध्वनि में शायद है किसी के लिए भरत क्षेत्र के जीवों को अपन रोज करत भेद्यमान से भी स्थिर बात कच्छू नहीं आती, बात डिक्लेयर नहीं होता कि सुमत प्रकाश पूजा कर रहे हो उनके लाजे धर्म वृद्धि कच्छू नहीं, उनके लिए हुए लेकिन स्वस्थ थी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, कौन कौन स्वस्थी थी, किसी ने प्रणाम नहीं किया इस समय। देवदानी खिरी बड़ा क्षेत्र में समर्थ आचार्य, समर्थ समर्थ मुनिराज है, एक देव आए लिवा ले गए, वो सब जब वो सब जानते हो आप, काय के फल में, नमस्कार के फल में, शुक्लेश के परिणामों के फल में। बोलो तुम्हारा अतिशय क्यों नहीं होता, हमें आज भी पूजा पाठ फॉर्मेलिटी है बिल्कुल। आप सच कह रहे, आप उल्लसित हो गए करो तो सही, रोटी रोज नहीं नहीं खाते, रोज रोज उल्लास से खाते, कभी ऐसे नहीं अब भाई रोटी खाए तो लो, ऐसे नहीं खाते, रोटी वही बनाई जाती है रोज की रोज, बड़ी उल्लास से बनाई जाती है, एक एक लोई एक एक रोटी फूलती है तो नई नई खुशी होती है, नई नई रोटी एक ही रोटी में, अपने वही बच्चा है रोज खिलाते हैं उसे, फिर भी 3 लोग के नाथ को रोज देख करके हमें बासे परिणाम कैसे हो जाते हैं। देखो उनको सम्यक ज्ञान हुआ, आचार्य पद मिला, अल्पकाल में भगवान बन जाएंगे। काय का फल बता रहे तुम्हें, उल्लसित चित्त का। आज हम शास्त्र बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन चित्त हमारा कोमल नहीं है, आज हम बहुत सुन रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत क्रियाकलाप कर रहे हैं लेकिन हमारे चित्त में सरलता नहीं है, और सरलता के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। बोला हम बहुत जम के कह रहे हैं सभी जी भगवान आत्मा है, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान आत्मा, सब पवित्रता की मूर्ति, सब त्रिकाली शुद्ध, लेकिन एक सास बहु घर जाकर के एक दूसरे को भगवान आत्मा देखना तो छोड़ो, सज्जनता भी नहीं देख पाएंगे, गुणेश प्रमोदन नहीं कर पाएंगे, अच्छा भी काम करें। हमने एक बहू से कहा, देखो बेटा तुम्हारी सास को तुमसे कितना प्रेम है, तुम्हारी जरा तबीयत खराब भाई तो उन्हें खींच ला बना के खिलाए, तो खिला दे तो कोई एहसान करो, हम 2 बेर बना देंगे। अरे जी कोई मतलब थोड़ी है, 1 रुपये का चुकारा 2 रुपये से कर दिया, तुम आत्मीयता की मूल्यांकन नहीं कर सकते। एक सास बेकार बोल रहे हैं, टाइम हो गया है ना, बोल देंगे बात पूरी कर देंगे, टाइम हो गया देख लेना, नहीं नहीं इतना तो नहीं, कितने बजे शुरू किया था, लेट किया था, 9 से शुरू हुआ, अच्छा हम 9:15 के समझ रहे, इसलिए हमने घड़ी भी बंद कर ली, हमने कहा चलो ये टाइम, अच्छा तो ठीक है, तो भैया जी की अनुमति हो गई, मैंने हमारे ग्रैंड फादर है ना, ठीक है तो इनकी अनुमति से एक बात कहता हूँ, बहुत मार्मिक बात है, समझने की बात है। देखो देश साज गुरु के प्रति आपको प्रेम नहीं है ना, तो आपके बहुओं बेटों को आपसे प्रेम नहीं, ये है विधि है इसमें लिखी है, क्योंकि आप ऐसी असाधा वेदनी बांधते हो, ऐसा नीच गोत्र बांधते हो कि तुम अपने बहुओं से तो छोड़ो अपने बेटा से प्रशंसनीय नहीं हो, जैसे तुमने 25 साल का कर दिया, लाखों की दौलत दे दी, करोड़ों की, वो भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता,
सच्ची बात बताएं, हिंदुस्तान की एक भी सास खराब नहीं, एक भी बहू खराब नहीं। उल्टा नहीं समझिए, बस उनकी पूजा पाठ सही नहीं है, व्रताचरण में सही नहीं है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, पहले पूरी बात सुनना, गलत नहीं करना। देखो, एक भी बहू खराब नहीं है, उसका कारण कि बहू ने कभी स्टार्ट नहीं किया बुराई। बाप बेटे में नहीं बनती, और पिताजी तो यही समझते जैसे हमारा वही लड़का है, वही जैसा उसका नाम घर में कल्लू है, मुल्लू है, पल्लू है, पिंटू है, संटू है, तो कभी भी बहू आ गई उसके घर में तो भी वो क्या बोलेगा, ए संटू कहां मर गया, दुकान नहीं जाता, सो ही नहीं अभी तक। जिस तरह की आप बोलती हो इससे उस बच्चे को हर्ट होता है। जब तक शादी नहीं होती तब तक वो फील नहीं करता। शादी के बाद साडू भाई आते हैं, पत्नी है, उसे फील होने लगती है वो बात। अब आप तो वही बोले चले जा रहे हैं 25 साल वाली बात, कहा सुनता नहीं, मर जाओ, प्राण खाए, ये भाषा बोल। अब उसे बर्दाश्त नहीं होती, आपसे तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आप समझ गए पिताजी को तो नेचर भौंकवे को है, आपसे तो कुछ नहीं कह पाता। तो आप जब दुकान चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, और जब पत्नी से मिलता है तब उसके सामने तो मूछ मरोड़ना है उसे, तो उसके सामने वो बड़बड़ाता है, जाने क्या समझ रखा है। तुम देखती हो मैं सुबह कितने बजे से उठ के काम करता हूँ, जरा चैन नहीं मेरे को, लेकिन पिताजी मेरे पीछे, बड़े भैया मेरे पीछे, अब बताओ मैं क्या करूं। तब तब बहू धीरे से कहती, हम तो पहले ही कह रहे थे हम तो पहले ही कह रहे थे, हम तुम हमारी नहीं माना था, हम तो कबू नहीं किया, कुछ बोलो तुम ही कह रहे हो, बोलो तुम्हारे बड़े भैया खराब, अम्मा भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, और पिताजी भी देख लो कैसे बड़बड़ा, तुम्हें बिल्कुल ढोर समझ रखो है, बिल्कुल ये बिल्कुल असली कहानी है घर घर की, इधर की नहीं कह रहे भोपाल की, ये तो की बातें हैं। अब इधर से चलो, इधर से चलो, एक भी सांस खराब नहीं, लेकिन आप देव सास गुरु के प्रति जो उपेक्षा का आचरण करते हो इसमें विश्व भयंकरतम पाप होता है, उसमें नीच गोत्र का बंद होता है। हम कह रहे हैं आपसे, आपके बच्चे ने 25 साल को पाला आपने और वो तुम्हारा एहसान भूल गया। आपने बहू के लिए जिस दिन लड़का हुआ था तो आपने दर्द भूल गए लड़का होते से ही, और पहली विकल्प ही आता है कि अब बहू आई, एक एक तोला रकम ऐसे जोड़ा जो बहू को चढ़ाएंगे, जो हार बहू भी चढ़ाएंगे, जो नथनी चढ़ाएंगे, जो कुंडल चढ़ाएंगे, और जब खरीद में जाता हूँ घंटा भर तो जय सोच बहू के गले में जो हार अच्छा लगे हो, जो अच्छा लगे, जो साड़ी अच्छी लगी, इतने 25 साल जिसने अपनी बहू की कामना की हो वो सास खराब कैसे हो सकती। लेकिन तुमने देव सासगुरु की उपेक्षा की है, तुम्हें इतना नीच गोत्र का बंद हुआ है, आते से ही बहू तुम्हें नहीं समझ पाती, बेटा नहीं समझ पाते, और परिणाम आपको मालूम ही है। बनीता बोधनी में लिखा, बनीता बोधनी में बहुओं से कहा है, बहुओं से ये बेटा, उसकी भाषा बताऊं आपकी, उसकी भाषा, हे अभागी भोली मूर्खा बहनों, अभागी इतनी अभागी हो तुम, इतने भाग्यवान कुल में आई हो, देव सास गुरु मिली, इतनी अच्छी सास मिली, इतना व्रताचरण कुल वाला घर मिला, तो भी तुम्हें ऐसे परिणाम होते हैं, अभागी मूर्खा भोली। भोली इसलिए कहते तुम पढ़ी लिखी नहीं, कहूं तुमने जिनवाणी नहीं बाँची, तुम समझती नहीं हो कछु, छोटी उम्र है तुम्हारी, ऐसे ऐसे शब्द लिखे उसमें। अब आगे का वाक्य सुनो उसमें जो लिखा है बनीता बोधनी में, हे अभागी मूर्खा भोली बहनों, आज तुम जिस पति से खुश हो वो सत्य व्यसन से रहित है, स्वस्थ है, ये सारा उपकार अपने सास ससुर का जानना। यदि उन्होंने 25 साल ध्यान नहीं रखा होता, सिगरेट पी रहा होता, तो तुम एक एक दिन कैसे बीतती, यदि वो शराब पी घर आता तो कैसे बीतती तुम पर, वो मांस खा रहा होता तुम पर कैसे बीतती, वो आलू वक्त खाता सत्य व्यसन करता तुम पर कैसे बीतती। आज तुम्हें जिस पति से प्रसन्न हो तुम, सुंदरता से, स्वस्थता से, खान पान से, तुम्हें मारता नहीं है, गालियां नहीं देता, कुछ नहीं करता, ये कौन का उपकार है, ये अच्छा कमा रहा है, समाज में उसने प्रतिष्ठा बनाई है, ये किसका सुख भोग रही तुम, ये सारा उपकार सास ससुर का जानना, इसलिए तुम उनकी सेवा करना। देख लेना भैया, आपको यदि तीन लोक के नाथ की आप नहीं कर पाओगे तो आप तीन लोक में कभी ख्याति को प्राप्त नहीं होगे, त्रियंश गति में जाओगे, दुत्कारे जाओगे, एक कुत्ता है, हट हट हट, ऐसे होगी।
अब देख लो सर्वत्र आज मनुष्य की हालत भी खराब है। आठ आठ महीने के बच्चे, भैया जी आपको मालूम है कि नहीं, आठ आठ महीना के बच्चे $200 में बिक रहे हैं, दोनों हाथ काट देते हैं, दोनों पांव काट देते हैं और फ्राई करके खा जाते हैं। वियतनाम वगैरह में, इधर ताइवान, चीन, एक सर्प लटका हुआ चीन में, कोबरा, उसके छेद करके ऐसे खून निचोड़ लेते हैं, ऐसे ऐसे एक गिलास खून $50 में बेच दिया और उसके पट्टी बांध दी, पट्टी बांध दी, चार छह दिन में वो ठीक हो जाता है। फिर दूसरा ग्राहक आता है, फिर होल करते हैं उसमें, फिर खून निचोड़ते हैं, जब तक वो मर नहीं जाते पूरे जीवन ऐसे खून निचोड़ा जाता है, फिर पट्टी बांध दी जाती। आपको पता है सब मत, देखो तुम देश सागरों की उपेक्षा मत करो, हमें तो इसलिए दुख होता है तुम आत्मा की चर्चा करके भी उपेक्षा करते हो। हम तत्व प्रेमी कहलाते हैं, मुमुक्षु कहलाते हैं, और हमारे जीवन में शुद्धाचरण के प्रति मर्यादित चिंतन नहीं है, मर्यादित जीवन नहीं है, आदर नहीं है, हम कहीं ऐसे ना चले जाएं, 84 लाख योनियों नहीं चले जाएं। इस भावना से ये पाठ हमने आपको पढ़ाया था, बाकी चर्चा हम फिर करेंगे।